नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। कोरोना काल के इस समय में स्कूल परिसर बंद पड़े हुए हैं, तब ऑनलाइन शिक्षा का ट्रेंड बढ़ा है। जिससे छात्रों को कई कई घंटे तक कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप के सामने बिताना पड़ रहा है। तब अब केंद्र सरकार ऑनलाइन अभ्यास के लिए भी गाइडलाइन तैयार कर रही है। मानव संसाधन मंत्रालय छात्रों की शिक्षा की प्रक्रिया भी चालू रहे और उन्हें स्क्रीन के सामने घंटों बैठना न पड़े, इस दिशा में विचार कर रही है। वहीं जिन छात्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, उनकी शिक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक ऑनलाइन क्लास के लिए समय मर्यादा फिक्स की जा रही है। इस मुद्दे पर कई छात्रों के अभिभावकों ने शिकायतें की हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ऑनलाइन शिक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है।